वैसे लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे फ्रॉक की, ठीक है ना, एंड फ्रॉक के एंडो स्केलेटन की हम लोग बात कर रहे थे। अभी हम बात करने वाले हैं वेरनस के एंडो स्केलेटन की, क्योंकि फ्रॉग आता है एम्फीबिया में, उसके बाद में आते हैं रेप्टीलिया की बात करते हैं। वो हमने फिशीज वर्क से इसलिए लिया क्योंकि ज़्यादातर मछलियाँ क्या होती हैं कार्टिलेज के पाए जाते हैं, मतलब उनमें बोन्स नहीं पाए जाते ज़्यादातर में, ठीक है ना, इसीलिए हमने उसका अध्ययन नहीं किया यहाँ पर, ठीक है ना। अभी हम देखने वाले हैं एंडो स्केलेटन ऑफ वेरनस। एंडो स्केलेटन ऑफ वेरनस, ओके। हम तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, एक बेसिक डायग्राम। ये क्या हो जाए इसका स्कल वाला पार्ट, ठीक है ना, ये क्या हो जाए यहाँ पे इसका स्कल वाला पार्ट, ओके। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्री मैक्सिला, प्री मैक्सिला, साथ ही साथ यहाँ पे पाया जाएगा मैक्सिला पार्ट, अपर जॉ जिसे बोला जाता है, ऊपरी जबड़े इसे बोला जाता है, ठीक है ना। ये वाला हो जाएगा ऑर्बिटल फोसा, बिटल फोसा, ठीक है, मिड रीजन में पाया जाएगा फ्रंटल रीजन, फ्रंटल ऑक्सीपिटल पैराइटल तीन प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है ना, फ्रंटल ऑक्सीपिटल और पैराइटल। ऑर्बिटल को हम लोग बोल सकते थे, ऑक्सीपिटल भी बोल सकते थे, और नीचे इसके पाया जाएगा सुप्रा ऑपिसिटल, और ये मिड रीजन, ये वाला रीजन कहलाएगा इसका पैराइटल रीजन, पैराइटल बोन, पैराइटल बोन, ठीक है ना। इसके नीचे की तरफ पाया जाएगा यहाँ पर जो हमने बनाया है इस पर लाइन के समान, क्या हो जाएगा सुप्रा, सुप्रा ऑक्सीपिटल, सुप्रा ऑक्सीपिटल, ठीक है ना। और भी ऑर्बिटल फोसा को हम लोग इस प्रकार से भी नेत्र ऑर्बिट, आई ऑर्बिट भी बोल सकते थे, इसे नेत्र रंध्र भी बोल सकते थे, आई ऑर्बिट भी बोल सकते थे। ये क्या हो जाएगा आपका स्कल वाला पार्ट, यहाँ पे क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आता है वर्टिब्री का रीजन, उसके बाद में आता है किसका वर्टिब्री का रीजन, लगभग लगभग क्या पाई जाती है इसमें 85 तक क्या पाई जाती है वर्टिब्री पाई जाती है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग देखते हैं वेरनस वाला जो था, वेरनस जो जीव है, इसके शरीर को हम लोग क्या है सिर, ग्रीवा, धड़ और पुच्छ भाग में, चार भागों में क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं चार भागों में यहाँ पे हम लोग डिवाइड इसको करते आए हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका लास्ट वाला पार्ट हो जाएगा टेल पार्ट, यहाँ से हम इसका निकाल सकते हैं पेक्टोरल गर्डल से होकर, क्या निकाल सकते हैं ह्यूमरस वाला, ह्यूमरस पार्ट जो है इसको निकाला जा सकता था, ह्यूमरस से जुड़ा हुआ होगा क्या हम रेडियस वाला, ठीक है ना। साथ ही साथ इसमें पाए जाएंगे कार्पसल्स, ओके, क्या पाए जाएंगे कार्पसल्स पाए जाएंगे, ओके। इसी के लेटरल साइड में क्या निकला हुआ होगा एक पार्श, 4 फुट जिसे बोलते हैं हम लोग, 4 फुट निकला हुआ पाया जाएगा। इसको मैं आइडेंटिकल बना रहा हूँ, पूरा का पूरा नहीं बना रहा क्योंकि थोड़ी हमारे पास जगह की कमी है, ठीक है।
इस तरफ क्या पाए जाएंगे? मेटाटार्सल्स। इसी के साथ साथ इस तरफ भी पाया जाएगा क्या? पेल्विक गर्डल वाला जो रीज़न है हमारा, ये पाया जाएगा, ठीक है ना? पेल्विक गर्डल वाला जो रीज़न है ये पाया जाएगा। अब इसके एक बार नाम लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है? एक बार इसके क्या लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं जो पाई जा रही है यहाँ पे। ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगी आपकी ग्रीवा कशेरुकाएं, ग्रीवा कशेरुकाएं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं थोरासिक वर्टिब्री। क्या बोलते हैं? थोरासिक वर्टिब्री हम लोग बोल, सॉरी, सर्वाइकल वर्टिब्री जिसे बोला जाता है, ठीक है ना? इसके नीचे आएगा थोरासिक, इन्हें बोलते हैं हम लोग सर्वाइकल सर्वाइकल वर्टिब्री। ओके, फिर ये हाथ आ जाएगा, ये जो रीजन है इसको हम लोगों ने बोला है पेक्टोरल गर्डल। क्या बोला है? इसे हमने बोला है पेक्टोरल गर्डल। ये वाला रीजन हो जाएगा ह्यूमरस। क्या हो जाएगा? ह्यूमरस हो जाएगा। ये वाला रीजन हो जाएगा रेडियस अल्ना का, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? रेडियस अल्ना यहाँ पे हो जाएगा, जो कि हमने इस प्रकार से गोलाकार संरचना के रूप में बना रखा है। ये रीजन हो जाएगा कार्पसल्स का। और ये रीजन हो जाएगा मेटाकार्पसल्स का, ठीक है ना? किसका हो जाएगा? मेटाकार्पसल्स का हो जाएगा। पेक्टोरल गर्डल में क्या पाया जाएगा? इस तरफ पार्ट पाया जाएगा किसका? स्कैपुला का। स्केपुला क्या पाया जाएगा? स्केपुला पाया जाएगा। साथ ही साथ ये क्या पाई जा रही है? ये क्या पाई जा रही है? यहाँ पे रिप्स पाई जा रही है। क्या हो रही है? रिप्स पाई जा रही है। तथा यदि इनकी बात की जाए, ठीक है ना, तो हो जाएंगी थोरेसिक और लंबर वर्टिब्री। क्या हो जाएंगी? थोरेसिक एंड लंबर वर्टिब्री, ठीक है ना? वक्षी और कटी क्षेत्र की जो वर्टिब्री पाई जाएंगी, वर्टिबल कॉलम्स पाए जाएंगे, वो हैं, ठीक है? ये वाला रीजन हो जाएगा पेल्विक गर्डल का। क्या हो जाएगा? पेल्विक गर्डल का रीजन हो जाएगा। साथ ही साथ यदि बात की जाए, ये हो जाएगा आपका टीबिया फिबुला, ठीक है ना? ये हो जाएंगी आपकी, यहाँ पे क्या पाया जाएगा? टार्सल्स पाए जाएंगे। और ये हो जाएंगे मेटा टार्सल्स। क्या पाए जाएंगे? मेटा टार्सल्स पाए जाएंगे, ठीक है? ये रीज़न हो जाएगा फीमर का, जो पाँव की हड्डियाँ हैं, ठीक है ना? यहाँ पे हम लोग बात कर सकते थे एसेटाबुलम कैविटी की। सॉरी, किसकी बात कर सकते थे हम लोग? एसेटाबुलम कैविटी की हम लोग बात कर सकते थे। ये हमने पेल्विक गर्डल बनाई लिया, ये पाई जाएंगी यहाँ से लेकर और यहाँ तक पाई जाएंगी कॉडल वर्टिब्री, पुच्छीय कशेरुकाएं। क्या पाया जाए? पुच्छीय कशेरुकाएं। तथा इसके जो मिड रीजन है जहाँ पे क्या होता है, ये पेल्विक गर्डल पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग सैक्रल वर्टिब्री, ठीक है ना? मतलब इसमें कशेरुक दंड लगभग बड़ा पाया जाता है। कशेरुक दंड क्या होता है? बड़ा पाया जाता है, जिसमें लगभग लगभग 85 तक क्या पाए जाते हैं? वर्टिब्रीज
पाए जाते हैं, ठीक है ना। 85 तक क्या होंगे इसमें वर्टिबीज या वर्टिबल कॉलम्स की संख्या पाई जाएगी। एक बार इस डायग्राम को हम लोग दोबारा देख लेते हैं। हम बात कर रहे थे आज एंडोस्केलेटन के, वेरनस के एंडोस्केलेटन की। एक्चुअल में वेरनस होता है किसका, रेप्टिलिया का प्राणी होता है। क्या है? रेप्टिलिया का, रेप्टिलियन एनिमल है, ठीक है ना। ये जो बॉडी है इसकी, बॉडी को हम लोग बॉडी डिवाइडेड, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट होता है इसका हेड, बॉडी को जब डिवाइड किया जाता है फर्स्ट पार्ट क्या होता है इसका, हेड। हम लोग बात कर रहे थे रेप्टिलिया की, जिसमें हम लोग बॉडी डिवाइड करते हैं हेड में, फिर आता है बीच में थोरैक्स, सॉरी नेक रीजन, थर्ड आता है थोरैक्स और फोर्थ आता है टेल रीजन, ठीक है ना। मतलब इसकी बॉडी को हम लोग चार पार्ट्स में आसानी से डिवाइड कर सकते थे, चार पार्ट में आसानी से डिवाइड क्या कर सकते थे इसकी बॉडी को हम लोग कर सकते थे, ठीक है ना। हेड, नेक, थोरैक्स और टेल। थोरैक्स की जगह हम ट्रंक वाला रीजन भी ले सकते थे, ओके। तो हमने हेड रीजन को बांटा किसमें, स्कल के रूप में, ठीक है ना, और स्कल के रूप में बांटा, जिसमें क्या पाए जाएंगे, मैक्सिला और प्री मैक्सिला पाए जाएंगे, साथ ही साथ ऑर्बिटल फोसा जिसमें आई ऑर्बिट नेत्र कोटर पाए जाए, क्या पाए जाए, नेत्र कोटर पाए जाए। इनमें क्या लगा हुआ पाया जाता है, लैक्रिमल बोन पाई जाती है, इसकी सहायता से लैक्रिमल ग्रैंड्स आंसू की ग्रंथियां जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। फिर बात आ जाती है फ्रंटल रीजन, पैराइटल रीजन और सुप्रा ऑक्सिपिटल रीजन की। ये हो जाता है आपका क्या, स्कल का निर्माण कर लेता है जो कि हेड रीजन है। फिर बात आती है ग्रीवा कशेरुकाओं की, क्या होती है ग्रीवा कशेरुकाओं की, बात आती है, ठीक है ना। ये जो ग्रीवा प्रदेश में जितनी भी कशेरुकाएं, हम ग्रीवा रीजन में हम लोग जितनी भी थोरक्स कैविटी, थोरक्स तो सॉरी सर्वाइकल वर्टिब्री के रूप में हम जितनी कशेरुकाओं के देते हैं, लगभग लगभग ये होती है, इनकी संख्या पाई जाती है 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी पाई जाती है, 8 तक पाई जाती है ग्रीवा कशेरुकाओं की, जिन्हें हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। उसके बाद में क्या आ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है पेक्टोरल गर्डल वाला रीजन, क्या आ जाता है, पेक्टोरल गर्डल वाला रीजन आ जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है, आपकी ग्लिनोइड कैविटी पाई जाती है, जिसकी सहायता से पेक्टोरल गर्डल वाला रीजन हो गया है, इसी की सहायता से क्या होता है, यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी स्केपुला भाग पाया जाता है, इसमें क्या होता है ह्यूमरस, ह्यूमरस जुड़ा हुआ पाया जाएगा, इसमें क्या होगा ह्यूमरस जुड़ा हुआ पाया जाएगा, ठीक है ना। ह्यूमरस से ही आगे की तरफ क्या होता है, रेडियस अल्ला जुड़ा हुआ पाया जाता है, जो कि दो अस्थियों से मिलकर बनी होती है, रेडियस और अल्ला। ये रेडियस अल्ला आगे जाकर फ्लैट गोलाकार चपटेनुमा, ठीक है ना, चपटे गोलाकार किसमें, कार्पसल्स में डिवाइड हो जाता है, जुड़ा हुआ होता है। ये कार्पसल्स आगे जाके मेटाकार्पसल्स में, मेटाकार्पसल्स से जुड़े हुए होते हैं, जिससे क्या होता है, ये जिससे क्या होता है, एक लंबे हाथ का निर्माण कर सकता है, जो कि क्या है, चलने के लिए, चलने के लिए क्या होता है, अनुकूलित पाया जाता है, ओके। फिर बात आती है किसकी, इसमें जितनी कैविटीज पाई जाती हैं, ठीक है ना, सॉरी वर्टिब्री पाई जाती है। फिर आती है बात इसकी रिप्स की आती है, जो कि क्या है, थोरेसिक जो रीजन होता है, ठीक है ना, जिसको हमने बांटा है किसमें, थोरेक्स रीजन में, ठीक है ना, किसमें बांटा है, थोरेक्स रीजन में जिसे हमने बांटा है, उसमें जितने भी क्या पाई जाएंगी, वर्टिब्री पाई जाएंगी, उनसे क्या निकली होंगी, रिप्स निकली हुई पाई जाती है, केज कंकाल पाया जाता है, ठीक है ना, केज कंकाल पाया, अस्थिपंजर से बोलते हैं वो पाया जाता है, ठीक है, जो कि क्या है, लंग्स को हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है लंग्स को और हार्ट को, ओके। फिर बात आती है लंबर वर्टिब्री की, ठीक है ना, हमने एक बात की है थोरेक्स, थोरेसिक की बात की है, थोरेसिक के रूप में थोरेक्स वर्टिब्री की संख्या लगभग लगभग पाई जाती है कितनी, थोरेसिक और लंबर की लगभग लगभग पाई जाती है 22 के आसपास, ठीक है ना, लंबर और थोरेसिक की यहाँ से लेकर, और हम लोग यदि बात करते हैं यहाँ तक की, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ से और यहाँ तक की, थोरेसिक और लंबर की, ठीक है ना, थोरेसिक और लंबर की जब हम बात करते हैं तो इनकी संख्या लगभग लगभग पाई जाती है 22 के आसपास।
फिर ये आगे जाकर जुड़ जाती है किसमें, पेल्विक गर्डल में। पेल्विक गर्डल क्या करती है, एसिटाबुलम का निर्माण करती है, इससे फीमर जुड़ता है। फीमर आगे की तरफ पटेला बोन की सहायता से किससे जुड़ जाता है, टीबिया फिबुला से। टीबिया फिबुला आगे जाकर टार्सल्स, और टार्सल्स आगे जाकर मेटाटार्सल से जुड़ा हुआ पाया जाता है, जिससे क्या होता है पश्चपाद का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या होता है पश्चपाद का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। इसके आगे की तरफ क्या पाई जाती है, और जो सैक्रल रीजन पाया जाता है जिसमें पेक्टोरल गर्डल पाई जाती है, सॉरी पेल्विक गर्डल पाई जाती है, ठीक है ना। इसमें सैक्रल रीजन में पाई जाती है, लगभग लगभग दो वर्टिब्रे के आसपास क्या होती है, सैक्रल रीजन में पाई जाती है। अब हमने बनाया क्या, यहाँ तक हमने बात की कि इसकी लंबर की, ठीक है ना, यहाँ तक हमने बात की लंबर की। ये जो दोनों हैं कहाँ बनाई नहीं है, है ना, एक सॉरी एक और दो, ये जो दो हैं ठीक है ना, सैग ये लिख रखा सैक्रल वर्टिब्री एक और दो, इन दोनों के लिए हमने ले रखा है नाम सैक्रल वर्टिब्री। इसके जो नेक्स्ट है इसके हमने चालू कर दिया कॉर्डल वर्टिब्री के रूप में, ठीक है ना। सैक्रल वर्टिब्री क्या होगी, संख्या में दो पाई जाएंगे, और उसके बाद में जितनी भी वर्टिब्री पाई जाएंगी ये होंगी लगभग 51 से लेकर 53 तक क्या हो सकती है, पूंछ के रूप, पूंछ में या कॉर्डल वर्टिब्री के रूप में पाई जा सकती है ना। हम लोग कुछ कशेरुकाएं कहते हैं, क्या होता है कुछ कशेरुकाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम लोग एक वेरनस के कशेरुक दंड का निर्माण कर सकते हैं, वेरनस के कंकाल का निर्माण कर सकते हैं। बाकी हम लोग इसको डिटेल स्टडी में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।